अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं बना रही हूँ खीर। ये मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखती है, 2 किलो दूध है ऑलपर्स, और ये 3/4 कप चावल गुड क्वालिटी, जिनको मैंने सहरी को भी गोया था और फिर अब सुबह मैंने इनको हाथ से क्रश कर लिया, यानी कि इसको मैंने तोड़ लिया, टोटा चावल कर लिया। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी और लो फ्लेम पे ये कुक होगी। ठीक है, मैं आपको दरमियान में दिखाती रहूंगी। अब ये खीर पकने के बाद इस कंडीशन में आ गई है, तो अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। ये मेरे पास 1 टिन कंडेंस मिल्क है, जिसमें से मैं थोड़ा सा बचा लूंगी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, 3-4 टेबल स्पून। कंडेंस मिल्क डालने से थोड़ा सा लिक्विड हो गई है, अभी मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये थोड़ी थिक ना हो जाए। ठीक है, अब ये थिक हो गई है काफ़ी, ये देखें। तो इसमें अब जाएगी 1 पैकेट क्रीम। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसमें मैं अब थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसमें क्रीम ऐड करके और मिक्स कर दूंगी। ठीक है, इलायची पाउडर आप डाल लीजिएगा, मैं नहीं डालती सॉरी, तो वो आप डाल लें, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो अब मैं थोड़ा ठंडा हो जाए, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो फिर मैं इस पर 1 पैकेट ऑलपर्स क्रीम डालूंगी। मैंने ऑलपर्स का दूध यूज़ किया है और ऑलपर्स की ही क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये स्वीट डिश के लिए बहुत अच्छा होता है दूध इनका। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और डिश आउट करूँगी।